run, ready one, two, three, four. कैसा जा रहे बात? सुलह हो गई है। किसकी? सुलह हो गई। किसकी? ये मैं तो आनो नहीं पता है, ये मीस थोड़ी ना मेरे सामने पड़ा, तो आनो आर खबर हों दी है। सुलह हो गई है। अरे मुझे नहीं पता किसकी। वो काका नाराज सी ना। कौन सा काका? बिलावल भुट्टो साहब से आसफ अली जरदारी साहब नाराज सन ना। ओ फिर सुलह हो गई है, भला कितने हुई है? कितने? मैं तो आनो पूछ रहा हूँ तुझे। दुबई। अच्छा दुबई सुलह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ते हुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन हां ठीक हो गए ने। अच्छा जी जी सर, बोला सुलह किने कराई है? किने कराई है? तो पूछ रहे तुम मैंने। मैडम सनम जी ने। ओ ते बोला उन्होंने मशवरा किने देता सी? किने? बिरा ने साडे ने। ना करे साडे बिरा तो अलावा किसी से गल सुनदे ही नहीं। हाय हाय हाय। मैडम बोला मैं आप क्या? मैं कहा मैडम जी आम पब्लिक दे विच नेगेटिव असर जाएगा और अच्छी गल नहीं हैगी। मैंने कहंदे ने आ जा फिर दुबई। अच्छा मैं क्या भेजो फिर जहाज? कहंदे ने जहाज ते सारे बिजी ने। अच्छा कढ़िया फिर तुहाडे बिरार ने स्पीडो लिबास स्विमिंग वाला। ओ गया फिर कराची समंदर दे उते। ठीक है ओथों लिया वाटर स्कूटर। ओके घी घंटे बाद ओदी बैटरी मुक गई। स्पीड में ज्यादा दे बैठा ना। कराची से दुबई आप पानी के थ्रू जा रहे थे? सर तुहाडे बिरार कई बार गया, एक बार गया। ठीक है ओथों मारी फिर मैं डाई। ठीक है हाँ लिबास ते मैं पाया होया सी। ओके ओथों फिर स्पीडो स्पीड में जा रहे सा। खोलो बैरी जहाज लंघन जाल सुटे। ओए होए। जाल पाड़ के हिंग करके बाहर आया। जी सर। वाह वाह वाह। सर जी वेल मछलियां वेल 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 मछलियां कोलो लंगन ते वेला कराउन मैनू। जी सर बल्कि एक वेल मछली वो नहीं करके पूछल कीती है। उत्ते ले जाके ते मैनू कहंदी निर्गोली क्या बात है। जी सर दाद दित्ती उन्होंने मैनू। पहुंचिया फिर पौने चार घंटे दे विच साहिल ते आ मैं हाथ बाहर कढ़िया। हाँ। सुरता अगे तैयार खलोता सी। ओए दुबई पहुंच गए? सर ऐ करके उन्हें बाहर कढ़िया। ठीक है काले रंग दी गड्डी ते काले शीशे। हाय हाय। पहुंचिया फिर मैं अपना एमिरेट्स हिल। अच्छा गड्डी एंटर हुई है। आहा जाके नाल सलूट वजरे तुहाडे बिरा नू। ओथे फिर सुलह होई है। एंगर के फोटो बनी है। ठीक है ट्वीट होई है। हाँ। तो बिरा ने रीट्वीट की थी। ओए होए। वो फिर एंगर के सरदारी साहब ने मैंने बखाया, उन्हें कि तेरी रीट्वीट दे उते ज्यादा लोगों ने कमेंट कीता है। हल्का जो है ऐ बन दिता ने गिफ्ट नवी घड़ी गोल्डन कलर दी। ना करे एंगर के साइड दे हो के मैं खोली है। फौरन बंद की थी। मैं क्या सर जी तोशा खाने दी तने डर गया ना। मैनू कहते ने ढेर लगा पे घड़िया का, मैंने की पता केड़ी है ते केड़ी नहीं है। अच्छा मैंने कहते ने अपने तौर ते चेक करा ले। ठीक है जे ते तोशा खान दी होवे हाँ ते चुप कर जाई साडा नाम ना लई। ठीक है ते जे ना होवे हाँ फौरन वापस करी। अच्छा जी सर। ठीक है मैंने कहते ने तू फौरन वापस करनी है। हाँ। मैं कह सर कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन अगर के उठे ने हाँ जफ्फी पाई ने। हाँ मैंने कहते ने तेरा किरदार है सुलह दे विच। ओथे फिर झूमर वजी। अच्छा ओ लग्या फिर उथे दुबई के अंदर ही। ओए होए होए ओ साडा तीर चले। अच्छा चले दुश्मन ते पकड़े तीर। क्या बात है त बन्ने दुश्मन ते। वाह वाह वाह। उस बाद खाना लग गया। वो फिर खाना खान लग पए ने। ठीक है मैं फिर वेखण लग पए। अच्छा हां मेनू किसी ने खाने ते पूछे ही नहीं। ओए होए सर सुला जो हो गई सी। ठीक है उथे फिर कौन किसी ने पूछदा है? कौन पता फाड़ लो फाड़ो लगी हुंदी है। बिल्कुल लेकिन काम वधिया होया सर। अच्छा ओ चाचा जी है? लेकिन इंडिया च नहीं कोई शॉट चलिया चाचा इफ्तिखार क्रिकेटर। अरे इफ्तिखार क्रिकेटर वो दूसरे हैं। ओह इन्होंने अगे तो मैंने जवाब देना पड़ना। हाँ इन्होंने सामने जेड़ा आ जाए वो जवाब दे हो जाता। हाँ। यार लेकिन यार प्रोग्राम करते ने खुदा दी कसमें ऐसा मुस्तनिद प्रोग्राम करते के बंदा ऐ नहीं कर सकता। सुन के ही जाएगा। वाह वाह। ओ बाजी ओ बाजी ओ बाजी ओ बाजी ओ बाजी बाजी तो मीरा जी ने जी। बाजी ने कोई फिल्म ऐसी नहीं जड़ी मैं ना वेखी हो। अच्छा नहीं सर नहीं वेखी। मैं कोई फिल्म ना दी छड़ी नहीं। अच्छा फिल्म मैं वेख के ही छड़ना। अच्छा बस हुण इंतजार हैगा वो अपना खलील रहमान कमर साहब वाली फिल्म नहीं हैगी
वो भी कोई फिल्म है जी? इन्होंने फिल्म है की है। अच्छा जैस उमराव जाना था आ रही है। अच्छा तैयार पे ये बस दो दो के वाश करके फ्रेश करके नेगेटिव ला के कदों बाजी लगनी है वो फिर। मैडम बताइए तो हमें पता ही नहीं था आपने छुपाई हुई थी। जान मैं तो शूटिंग तो थोड़ी सिक्योरिटी भी की थी। अच्छा मैं कम से कम 150 शूटिंगा तो मैं नाल रहा। अच्छा एक बार भी नहीं पहचाने वो स्टार है? वो स्टार कभी होता है मिस आउट कर जाते हैं? स्टार नहीं पहचान दे सर। हां स्टार तो बिल्कुल लिफ्ट भी नहीं कराउंदे यार। हम वो भाईजान ने मैं फोटो ले ली। यू विल हैव टू आस्क हिम। आई एम सॉरी भाई। तो मैं सोशल मीडिया पे भाईजान उनकी फोटो अक्सर लाना ना। अच्छा यार बड़े कमेंट्स आंदे। अच्छा हर बंदा मैं पूछता है कौन है। देखो ना सर फोटोजेनिक तो है भी ने ते नाले ये भी पता भी कैमरा किधर रखना है। हाँ सीनियर बंदे दा ये फायदा है। मैडम कहना है ये वन सेल्फिश विद यू। सेल्फिश नहीं होता। ओके सेल्फी विद यू। हाँ मैडम एक सेल्फी। माशाल्लाह मैडम वाकई सुपरस्टार है यार। ये तो है। ठाकुर साहब नरगोली बड़ा जहीन अफसर है। अच्छा जी एक दिन मैं गया थे थाने दे बाहर कुर्सी टेबल ला के बैठा मैं क्या अंदर क्यों नहीं कहते जी अंदर सफेदी हो रही है ना। वेलकम बैक जी अरीज। मीरा जी इंडस्ट्री में आने के बाद लोग बदल क्यों जाते हैं? मुर्गे में नीले रंग अक्सर फेम मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं या उनके पास बहुत वक्त नहीं होता? मेरे ख्याल में लोग बदलते नहीं हैं। नहीं बदलते इसलिए कि आप एक हैं और सब लोग ही आपसे मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो फिर आप थक जाते हैं। बदलते नहीं हैं आप। अगर आप खड़े हैं एक जगह पर तो सब लोग ही चाहेंगे आपसे ऑटोग्राफ लें आपसे बात करें आपसे अपने जज्बात का अपने दिल की बात करें। तो इंसान हैं हम वो कि फिर थक जाते हैं थोड़ा सा। देखने वालों को लगता है कि शायद हम कोई मगरूर हैं या हम एटीट्यूड प्रॉब्लम है या शायद हमारा दिमाग ख़राब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये है कि सामने वालों को समझना भी चाहिए कि हम भी इंसान हैं हम भी जज्बात रखते हैं। जी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मेरा सवाल मीरा मैम से है। पिछले 28 साल से शोबिज में है पहले के आर्टिस्ट में और अब के आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है? पहले के आर्टिस्टों में तमीज़ थी तहजीब थी मुस्कुराहट थी अदा थी रख रखाव था मैनरिज्म था उठने का अंदाज बैठने का अंदाज। अगर किसी ने तारीफ कर दी है कुछ कह दिया है तो थप या गुस्सा नहीं करते। टेक्निकली तो हम बहुत स्ट्रांग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी एक ज़ुबान है हमारी जो तहजीब है जो एक मैनरिज्म है तो एक मैं उस चीज़ को मिस करती उस चीज़ को मिस करती हूँ। ठीक है जी क्वेश्चन कौन? जी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मुबारिस खान है। मेरा सवाल सर इफ्तिखार अहमद से। सर आजकल साफियों पर तनकीद होती है कि वो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ क्या कोई साफी किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है? अगर सपोर्ट कर सकता है तो सर उसके सहाफत पर इसके क्या असरात होंगे? देखो दो किस्म के सहाफत में शोबे हैं। एक है कि आप रिपोर्ट करते हो और एक है आप तजिया करते हो। जब आप तजिया करते हो तो उसके लिए जो एडिटोरियल पेज हैं आप उन पर लिख सकते हैं। लेकिन जब आप खबर को रिपोर्ट करो तो खबर को खबर के तौर पे रिपोर्ट मत करो खबर में तबसरा मत करो। मतलब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ आप वही रिपोर्ट करो जो मैं कह रहा हूँ। आप ये ना लिखें कि मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा नहीं। आपका जो ख्याल है उसके लिए एडिटोरियल पेज आपके पास है आप जाएँ उस एडिटोरियल पेज पर जो कहना चाहते हैं कहें लेकिन खबर को ना आप ख़राब करें। एक और दूसरा ये जो तस्वर है ना जी कि जो सहाफ़ी है ये गैर जानबदार होना चाहिए। सहाफ़ी गैर जानबदार होना चाहिए रिपोर्टिंग में जब वो अपने प्रोफेशन में किसी इशू को रिपोर्ट कर रहा है किसी खबर को किसी इवेंट को रिपोर्ट कर रहा है। कोई शख्स गैर जानबदार नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं। हम जब इलेक्शन वाले दिन जाते हैं जब बैलेट की पर्ची लेते हैं तो किसी न किसी को तो वोट डालते नहीं डालते तो क्या उस वक्त हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर रहे होते नहीं कर रहे होते? तो ये कहना कि जनाब गैर जानबदार होना चाहिए मैं इसको नहीं मानता। हाँ आप फ़र्क रखें खबर में और अपने जो ख्यालात हैं जो आपका तबसरा है उसके लिए एडिटोरियल पेज है वो इस्तेमाल करें। अब टीवी में मसला ये है कि टीवी में एडिटोरियल पेज नहीं है। टीवी में हम ये देखते हैं कि हर किस्म के ख्यालात का इजहार किया जाता है खबर मिलती नहीं है ख्यालात ही ख्यालात मिलते हैं। हमें देखना पड़ेगा सारों को और बिल्कुल आप तबसरा कर सकते हैं आपकी राय हो सकती है आप किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये खबर में मत करें एडिटोरियल के पेज पे जाके लिखें और कुछ लोग लिखते हैं एडिटोरियल पेज पे जाके।